हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रिंसिविल सर्विस्यूज सॉल्व करेंगे और ये रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड शुरुआत है। करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से सो हू अमंगल एडवाइजर of constituent assembly so who was the constitutional advisor of the constituent assembly your options are dr b r ambedkar km munshi sir b n rao and jawaharlal nehru the correct answer for this mcq is sir b n rao benegal nursing rao he was the constitutional advisor and he was appointed as the constitutional advisor by the constituent assembly कब हुआ इनको अपॉइंट किया था इलेवेंथ डिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स द सेम डे वे राजेंद्र प्रसादेंट ऑफ दाइस प्रेसिडेंट वॉज ऑल्सो इलेक्टेड ऑनम डे द सेम डे बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ दूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके बेनेगल नरसिंह राव इसके अलावा बी आर अंबेडकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ असेंबली इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के पास भी कई सारी कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पास थी ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं तीनों बीएन एन राव तो एडवाइजर uh, थे इसके अलावा तीनों जो जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स इंडिया एंड टू प्रिंसली स्टेट्स तो कॉन्स्टिट्यूश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होने थे ब्रिटिश इंडिया से, से कितने आने थे और प्रिंसली स्टेट से कितने आने थे ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड नाइन्टी फोर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स और टू नाइनटी सिक्स फ्राम ब्रिटिश इंडिया एंड नाइन्टी थ्री फ्राम प्रिंसली स्टेट्स या टू नाइन्टी एट फ्राम ब्रिटिश इंडिया नाइन्टी वन फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स या फिर टू प्रिंसली स्टेट्स देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो टोटल मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली कैबिनेट मिशन प्लान ने जो मेंबर्स बताए थे वो थे थ्री एटी नाइन ये 389 डिवाइडेड थे देखो वैसे अगर सम किया जाए तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि ये 389 हो रहा है 89 हो रहा है 89 हो रहा है और ये भी 89 नाइन एक्चुअली इन सब में हम इससे तो सॉल्व कर नहीं सकते कि टोटल मेंबर्स कितने हैं बिकॉज टोटल हमारा 389 ही आ रहा है सब में बट इन 389 में से देखिए हमने नाइनटी थ्री मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से और टू नाइनटी सिक्स मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से लिए थे तो ये ऑप्शन कहां पर है हमारा बी 296 ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स ये जो 296 है ये फर्दर डिवाइड किए थे दो में 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड फोर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ये जो चार चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं ये हमें याद होनी चाहिए वे दिल्ली अजमेर इसे अजमेर मेरवाड़ा भी कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा कुर्ग एंड द लास्ट बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है दी वेर द फोर

The political part of Indian Constitution is taken from British Constitution. ये पहले भी हम एक बार कर चुके हैं। जो political part है, ये कहाँ से लिया हमारा British Constitution पे based है। यानी हमारे यहाँ पे parliamentary form of government है, वो भी किस तरह की है, legislations कैसे pass होंगे, political structure कैसे होगा, ये बिल्कुल हमने British Constitution से लिया। Then comes the Article 368 is related to the constitutional

मेजॉरिटी पार्टी पावर दिस इज अ पार्ट ऑफ आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम यस क्योंकि जो भी मेजोरिटी होगी जिस पार्टी की वही गवर्नमेंट बनाएगी वही पावर में आएगी देन प्रेजेंस ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हमारे यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव भी है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है प्रेसिडेंट

इनकी बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यहाँ हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल हैं लोकसभा को सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पांसिबल टू लोकसभा दैट मींस लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन ठीक है तो इसको कहते हैं कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी यानी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम हटा रहे हैं एक साथ ठीक है वो यानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर वो पॉलिसीज ढंग से नहीं लेके आ रही है या अच्छा काम नहीं कर रही है तो लोकसभा क्या कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल दे कैन रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर ठीक है या उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उन्हें हटा सकती है दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पॉलिसी दैट मीनस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पे आप सोचो कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन है मिनिस्टर्स इनमें से हर मिनिस्टर अपनी अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग से रिस्पॉन्सिबल हो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री की या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की या होम मिनिस्ट्री की या फिर इसके अलावा बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती है तो वो मिनिस्ट्री जो है या मिनिस्टर जो है वो अपनी डिपार्टमेंट अपनी मिनिस्ट्री के जो एक्ट्स हैं एक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि उनके actions, उनकी मिनिस्ट्री के एक्शन की वजह से उन मिनिस्टर को निकाला जा सकता हो क्या लेजिस्लेचर ऐसा कुछ कर सकता है इंडिया में नहीं तो यहां पे हमारे यहां परिटी वाला क्लॉज नहीं है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब यहां कंपेयर कर सकते हैं यूके से ब्रिटेन में ब्रिटेन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है जैसे इंडिया में है साथ ही साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यानी हर मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट या अपनी मिनिस्ट्री के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सो लेजिस्लेचर उसे निकाल सकती है इंडिविजुअली वो इफेक्ट दूसरी काउंसिल ऑफ दूसरे मिनिस्टर्स पे नहीं आएगा सिर्फ उस इंडिविजुअल पे आएगा इंडिविजुअल मिनिस्टर पे आएगा जिसको निकालना चाहते हैं जिसकी रिस्पॉसिबिलिटी है ओके okay, उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो आर करेक्ट आंसर इज सी बिकॉज इट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ

तो एक्चुअली ये शेड्यूल एट नहीं है ये जो दे रखा है वो शेड्यूल सेवन में दे रखा है तीन तरह के लिस्ट है इसमें यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट और इन लिस्ट के अंदर दे क्या रखा है सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। यूनियन जिस जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट

Uh, यानी कोई अगर इलेक्शन जीत के आए किसी पार्टी के नाम पे बीजेपी के नाम से कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत के मेंबर uh, बन जाता है लेजिस्लेचर का और फिर मेंबर बनने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे निकाला जा सकता है दिस इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन ये डिफेक्शन होता है एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आना इलेक्शन के बाद उससे रिलेटेड प्रोविजन हैं शेड्यूल टेन में ओके देन लेट्स सी शेड्यूल इलेवन पंचायत दिस इज द करेक्ट मैच एक्चुअली ये तो नहीं है न है ये तो 10 है, पंचायत से ये लेटर ऑन नाइन टू में हमने, किया इसे. Right. 94 में हमने किया पंचायत और म्यूसिपालिटी और शिकेड्यूल टेड्यूल टेन एटी फाइव में एड किया था okay. वन में किया था इसके अलावा एट शेड्यूल तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही ऑन दिस नोट माई सेशन आई होप के इस सेशन में आपको काफी कुछ जानने को मिला हो काफी कुछ नॉलेज और फैक्ट्स मिले हो एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज लाइक दिस विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू आर